काम कर रहे हो? मेरा काम क्या है दिखाते हैं। मेरा ये काम है, इस डाली में जो इतना जंगल है जो काट के रखा गया, तो घर से मेरा यही काम दिया है। पापा बोले कि जाओ खेत पे ये काम करके आओ, कुछ तो करने रहो, क्योंकि सही में कुछ नहीं कर रहे। लॉकडाउन में घर पे रहते हैं और रोज़ा करके बस आराम से पूरे पूरे दिन सो के रहो, आराम से कुछ काम नहीं हो रहा है। तो सोचे कि चलो खेत पे चलते हैं ये काम कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो पे आया था जो यहाँ पे मक्का का कटाई हुआ था, इसी खेत में मक्का का कटाई हुआ था, तो अभी इसमें पाट लगा हुआ है, तो फिर पाट का खेती हो रहा है, तो फिर इसमें बहुत इसमें भी बहुत मेहनत लगता है। तो फिर देखिए लोग काम कर रहे हैं एकजुट करके, पीछे देख सकते हैं पूरा इसको, इसका जो जंगल होता है उसको काट के निकालता है। सो गाइज, एवरीथिंग हैज डन बाय मी, सो आई हैव टू गो होम राइट नाउ बिकॉज मैं बहुत पसीना हो रहा हूँ। मैं इस हेडफोन को बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत काम दिया, क्योंकि अगर मैं इसको लेके नहीं आता तो शायद उतना काम को नहीं कर पाता। मुझे लगभग 1 से 2 घंटे लगे उस काम को करने के लिए। ये हेडफोन मुझे साथ दिया, मैंने लगा दिया गाना उसके, बहुत बड़ा बस्ती के साथ झूम झूम के अपना काम कर रहा था। तो फिर अभी हम घर चलेंगे, अब यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे खेत की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे, वहाँ पे जो जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है फिर उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए, प्लीज़ कहीं भी आप इसकी मत कीजिए, मेरा डालेगा पुराना, तो प्लीज़ कहीं भी आप इसकी मत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, हम आगे आपको इस वीडियो को आगे तक लेके जाएंगे। हम कहाँ कहाँ जाने वाले अब इस यहाँ पे नहीं बताएंगे, आपको खुद दिख जाएगा। तो अभी अपने घर के ओर निकल पड़े हैं और बारिश हो रही है, तो फिर मज़ा आ रहा है यार, क्या सुना रहा मौसम आज पूरे दिन, मतलब धूप नहीं निकला है, मतलब सुनने में है कि आज आंधी वंधी आने वाला है, बस डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, डरना नहीं पड़ेगा। तो घर चल, तो गाइस मैंने अभी सो के उठा, शाम के 4:30 बज रहे हैं, मैंने वीडियो शूट किया था, खेत पे गया था, तो वहाँ से शूट करने के बाद मैं घर आ गया, उसके बाद मुझे दिखाना था बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन मैं सो के रह गया, बस अभी उठा। तो बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड सी लग रही थी, तो सोचे कि आके सो जाते हैं, तो मैंने सो गया। उसके बाद घर में कचौड़ी पकौड़ी बनाना था, आज मेरा रूटीन था, मुझे बनाना था लेकिन मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो आज चलेंगे मार्केट, वहाँ से लेके आएंगे कचौड़ी और जलेबी लेके आएंगे। तो इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो हम चलेंगे अभी मार्केट और आपको दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, ब्लॉग का ये दूसरा दिन है, तो निकलने वाले थे आज कहीं ब्लॉग बनाने के लिए, इसमें कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर भी कहीं और जाने का प्लानिंग था। ये सीक्रेट्स है, आपको बताएंगे, वो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा बाद में आप देखेंगे, तो देखते हैं, इंशाल्लाह शाम तक निकलेंगे, शाम तक निकलने का कोशिश है। तो बारिश वारिश ख़त्म होने दीजिए, आंधी वंधी ख़त्म हो जाए तो फिर निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो देख सकते हैं ये सब छोटा सा नदी वो भर गया है, आज आंधी और बारिश हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ा लोगों को, फोन वोन चार्ज करने में भी दिक्कत हो रहा था, लाइट वाइट नहीं थी, तो फिर कहीं से चार्ज करके लेके जा रहे, बेंगोल गया था चार्ज करके लेके जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, ये ब्लॉग का 3rd डेज है, तो आज ये काम पड़ गया कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो अभी तो बैंक जा नहीं सकते हैं, तो मिनी बैंक से आ रहे हैं, वहाँ से कुछ पैसे विड्रॉल करना है, उनके बाद फिर अपने काम में लगाना है। तो अभी निकल पा रहे हैं, अभी मतलब कहीं जा नहीं पा रहे, बारिश वारिश की वजह से, मैं तो पहले बता दिया था कि बारिश की वजह से कहीं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए, क्योंकि जो इसका दुकान है वो मार्केट में, मेन मार्केट में है, तो अब ये बारिश की वजह से, आंधी की वजह से भी जा नहीं पा रहे मार्केट, तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। तो पैसे विड्रॉल कर लिए हैं, अब घर की तरफ चल रहे हैं, और थोड़ा सा काम है, काम को जल्दी करना है, उसके बाद फिर काम करके फिर शायद ब्लॉग के लिए निकलेंगे। आज लास्ट डे है, आज जो भी करना है आज ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ब्लॉग को बनाते बनाते, आज जितना चाहे जितना होगा उतना ही ब्लॉग करके आज ही इन करके आज ही अपलोड करना है, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, लगभग 3 डेज हो गया यार, मतलब एक दिन में कंटिन्यू करने वाले थे, एक दिन में मतलब वीडियो को बना के अपलोड करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से, आंधी की वजह से कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि घर से नहीं निकल पाए। तो आज ही जितना होगा उतना करके फिर
ब्लॉक को यहीं पे बंद कर देंगे, उसके बाद फिर दूसरा ब्लॉक लेके आएंगे, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा। आंधी की वजह से इधर भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, जैसे देखते हैं मक्का का खेत, तो उसी में अपना भी खेत में आया था तो इसी तरह का हालत हो गया, देखिए पूरा मक्का गिर गया, तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, काफ़ी परेशान है। टाइम आ गया वो जगह जाने का जो सरप्राइज़ था वीडियो में बताया गया था पहले कि कुछ सरप्राइज़ है, तो हम चल रहे हैं वहाँ पे, वो भी बाइक से नहीं, बाइक निकालना भी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि कादा वादा का थोड़ा दिक्कत है क्योंकि बारिश बहुत हुई है, हम साइकिल से चल रहे हैं। तो अभी हम साइकिल से चल रहे हैं वहाँ पे, दिखाएंगे आपको, भी सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। ये है मेरा गांव, अभी भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अभी 4.0 चल रहा है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो देख सकते हो रोड में बहुत ही कम आदमी चल रहा है अभी भी, तो फिर भी इसमें अभी बहुत चीज़ अलाउ कर दिया गया, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे सुरक्षित कहीं ना कहीं रह रहे हैं। सरप्राइज़ ये था कि जो मेरे गाँव के स्कूल है जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, यहाँ पे लोग आ रहे हैं शहर से, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम इसी चीज़ को दिखाने के लिए लाए थे अपना कैमरा, और आप देख सकते हैं पीछे हम मतलब अंदर तो जा नहीं सकते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अगर बाय द वे अगर हमको मिल जाता कोई चांस तो हम अंदर जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम इस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, लोग अंदर कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी लोगों से पूछ भी नहीं पा रहे, पता नहीं लोग हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हालत ऐसी है, लोग देख सकते हैं लोग अपना अपना मतलब क्वारंटीन रहे, बहुत लोग दिल्ली मुंबई शहर से आ रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, लोग यहाँ पे आके रहते हैं तो सारी सुविधाएं मिलते हैं, जो लोग अगर घर पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड हो सकता था, यहाँ पे वो मेडिसिन वेडिसिन मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से सेफ फील कर रहे हैं, इन लोग अगर घर पे चले जाता तो कहीं ना कहीं तहलका मच जाता, तो हम लोग सेफ फील नहीं करते, तो यही थी वीडियो, आपको दिखाते हैं पीछे वीडियो को। ये है मेरा गांव का स्कूल जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग छत के ऊपर बैठ के या कोई खड़े खड़े एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से अलविदा जुमा मुबारक, आज हम लोगों ने अलविदा जुमा अदा किया, तो रमज़ान का आखिरी जुमा जो अलविदा जुमा, हम सब मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को अलविदा जुमा मुबारक हो। ये मेरी छोटी सी ब्लॉग थी, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाया और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो बस इतना ही काफ़ी रहा आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अच्छे इंटरेस्टिंग के साथ लेके आएंगे, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग आइडियाज़ दीजिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे मैं अभी घर में हूँ, मैं अपने गाँव में हूँ, तो गाँव में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ होता है, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का आइडिया दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को अच्छे से निभाऊंगा और इंशाल्लाह अच्छे से इसको प्रिपेयर करके मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।